तैयारी हो गई है। मरियम कैसी राइटिंग आपने की है? कितनी अच्छी राइटिंग है मेरी। दसवीं क्लास के बच्चों पढ़े लिखे लोगों की ऐसी होती है। रेडी हो गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने जाना है चीजें ड्रॉप करने के लिए उज्मा के घर, तो इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी आबिद भाई और उज्मा से भी, तो चलते हैं। और ये मैंने मेरी, मैं ऐसी लग रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही हो। ये आज की मेरी लुक है। और ये आप लोगों को याद होगा, एक दफा हम गए थे, मैंने सफायर से लिया था ये। सफायर जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सा सूट है जनाब। सारे लोगों को बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। तो ये ड्रेस जो मैंने पहना हुआ है, ये आप लोगों को याद ही होगा कि एक दफा मैंने सफायर से लिया था। साथ में जो जूता मैंने पहना हुआ है वो खाड़ी का है। 2-2.5 हज़ार की रेंज में ही होगा मेरे ख्याल में, या 3 हज़ार, मुझे पक्का नहीं याद। और जो मैंने स्वेटर पहना हुआ है, ये मैंने अमेरिका से मंगवाया था। तो आप मुझे बताएं कि आपको मेरी आज की लुक कैसी लगी। ये ड्रेसेस आए हो गया, काफी कुछ फोटो शूट एंड ऑल दैट। हाँ चले चले, देर हो रही है। ओके चले। शादी में उठाओ, एक सेकंड में उठाती हूँ। जो मैंने उठाने को कहा था। अभी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा कर रहे हैं सूप, वो आपको कैसा लगा? लोगों ने कहा जी सूप तो नावल नहीं होता, सूप को नोश फरमाया जाता है। हाँ। बड़े बड़े लोग हैं जिनको उर्दू हाँ। आती है। अच्छा पता, मैं भी किस्सा बताऊंगी। वैसे सबने सुना है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है बुशरा, अच्छा उर्दू स्पीकिंग है। अच्छा, तो उसकी शादी हो रही थी अपने जिनके साथ, वो पंजाबी थे। अच्छा, तो वो उन्होंने कहा कि कहती मेरी दादी ने कहा क्या तुम पूरी जिंदगी हाँ जी वाले लोगों में शादी कर लो? तो मैंने कहा बुशरा हाँ जी तो ठीक होता है। कहती नहीं जी हाँ ठीक होता है। मैंने कहा जी हाँ तो गुस्से में कहते हैं, ज़बान का वो होता है हाँ। लेकिन हम लोग पंजाबी तो गुस्से में कहते हैं ना जी हाँ, हाँ। किसी को कहना हो तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी वो शादी है कराची का? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। देखते ना तो आप बिहाइंड नजर आ रहा है। माशाल्लाह खतीजा बहुत ही प्यारी बच्ची है और लाइवली इस कदर है कि मज़ा आ जाता है उससे बात करके। तो उससे गपशप लगी और मरियम के बारे में भी पूछा, तो बहुत अच्छा लगा और बड़ा मज़ा आया। मरियम ने मेरे ख्याल में डाइनिंग टेबल लिया है। डाइनिंग टेबल वो कह रही थी कि मुझे हो रहा है कि मैं जरा 8 चेयर्स वाला ले लूं, बड़ा ले। हाँ 6 वाला बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। तो वो मैंने टेबल लाके ना इसका वैसे मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस जैसे कर लो, तो दो लोग हो ना तो डिफरेंट आइडियाज आते रहते हैं। सही बात है, और दोनों को बहुत आइडियाज आते हो तो फिर बहुत ही मजा आता है। लेकिन जैसे मुझे मजा आता था कि अगर मैं
खदीजा के घर रहकर आई हूँ ना, मरीम के घर आई हूँ। तो मरीम, क्योंकि अभी उनके जब ये शिफ्ट हुए तो इनके पास ज़्यादा सामान दोनों के पास नहीं था, तो मरीम ने भी कोई ना कोई चीज़ें नहीं ली होती थी। जब खदीजा के घर जाओ तो उसने भी ली होती, क्योंकि उससे पहले फ्लैट्स थे, तो वो घर ज़रा थोड़े बड़े हो गए। मरियम ने बिल्कुल अपने आप को उस तरह कर लिया जैसे वो शादी से पहले एफ एस सी में थी। असल में भाभी ने जिम करना शुरू कर दिया, बड़ी हार्डकोर। आप जो अपार्टमेंट्स के अंदर आपके लिए चीजें वो मेंटेन करना मुश्किल होता है, लिविंग स्पेस कम होती है आपके पास। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा था कि अपार्टमेंट्स में स्टोरेज डिफरेंट, लिविंग स्पेस इज लेस, आदमी बाहर निकलता जंक फूड खाता रहता है। तो जब अपने पास स्पेस आ जाती है ना, और हमारे बच्चों को सारी उम्र बड़े घरों में रहने की आदत रही है, और वो फिर पहले इतना वेट पुट ऑन कर लिया ना, और ऊपर से खाना काफी ज्यादा खाया। सर आपने इतनी तकल्लुफ क्यों किया? अभी हम तकल्लुफ करना चाह रहे थे, लेकिन हमने खाना शाना सर इतना खाया हुआ है कि ये तो इसमें क्या है। थैंक यू, मैं ले लूं हमारे। थैंक यू सो मच। पूरा ले लें जो ये पूरा, बहुत ज्यादा नहीं है? नहीं बिल्कुल ज्यादा नहीं है, वो दोस्त चले बस साथ ले लेते हैं जी। चाय टुकड़े सैंडविच भी अंजू की तहजीब के चिकन सैंडविच बहुत अच्छे होते हैं। और वेट बढ़ने की प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले पेट बढ़ता है, और सबसे एंड में पेट अंदर जाता है। एक किलो भी वेट बढ़ जाए ना, इसको वेट करो। अब बताइए कि मैं एक टाइम का फुल मील लेता हूँ, एक टाइम का, फिर मैं बीच में कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर मैंने नाश्ता कर लिया पराठे पराठे के साथ, तो फिर मैं लंच तो मैं नहीं बिल्कुल स्किप कर लेता हूँ। डिनर पे कुछ ले लिया, डिनर किया तो फिर तो एक मेरा एक मील है। भाई स्नैक्स भी नहीं लेते बीच में? कुछ भी नहीं है। बड़े दिनों से ये आया हुआ है, इसको अनपैक करते हैं। और मैंने आपको बता देती हूँ मुझे कि ये मैंने मंगवाया है, कोई सर्विंग टाइप ऑफ थिंग है। okay. और बड़ी कल्चरल सी है, ठीक है। जैसे हलीम सर्व करनी हो, या गोलगप्पे, या फिर आपने जो है वो दही भल्ले वगैरह। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से निकलेगी। मैं कहना खोल के दिखा दे, खोल के दिखा दे ना। किचन में आ जाए। तो ये ना प्राइस इसकी है, थी जो हमने पे की है 5600 तक ना। ओके ओके, क्या आपने तो 5600 का फोन आया क्लिनिक में, तुमने क्या मंगवाया? अच्छा, मैं ऑनेस्टली समझ रहा था कि कोई ड्रेस वगैरह है, लेकिन फिर मैंने देखा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रजाइल। मैंने कहा ड्रेस तो फ्रजाइल नहीं हो सकता। मुजीब को अचानक ही मैं, वो कहते हैं ना हैरानगी में मैं ले लेती, मतलब मुजीब पकड़े जाते हैं कि क्या मंगवाया, एक ही हो रहा है। हां मैं तो पता नहीं इसको क्या, ये खुल गया, खुल ही गया, क्यों इसको उधेड़ रही हूं? वो जरा मर्जी है ना अपनी। लो वाह, पैकिंग तो बड़ी जबरदस्त लग रही है भाई। लो वाह, ये अनपैक करके ना मैं और बाबा हम इनको ऐसे ऐसे आहा हा, करीब करें ना, आवाज सुनाए, आवाज सेटिस्फाइंग। हाय 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 हाय, मुझे इससे तो मैं खेलूंगी।
ठीक है, फिर सारे कहते हैं मामा इज लाइक अ किड। अब ये चीजें ऐसी भेजने वाले जो है उनको नहीं भेजनी चाहिए। अच्छा जी, अभी मुझे बंद करें ताकि मैं इसको खोलूं तो फिर मैं अचानक दिखाऊं। ओके हाँ जी जनाब, तो इसके नीचे मेरे नाम एक एक रुका भी आया है। अच्छा ओके, क्या कहता है ये रुका? कहता है थैंक यू। अच्छा जी, ये लिखा हुआ जी, डियर अंजुम, इन द वर्ल्ड फुल ऑफ ऑप्शंस वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर चूजिंग अस, बेस्ट रिगार्ड्स मास एंड कुरत। अच्छा ये कंपनी भी मैं आपको बता दी क्या है, चमक पट्टी स्टिकर इज वेरी ओल्ड आर्ट फॉर्म यूज्ड ऑन ऑल बसेस एंड रिक्शॉज इन पाकिस्तान। ओके ओके, जो बसों और रिक्शों के ऊपर एक आर्ट है ना, वो ही इसी में भी है और उसको कहते हैं कि चमक पट्टी। देखा मैंने फिर आपके नॉलेज में इजाफे जो मैं कर रही हूँ दिन ब दिन। अब जो ट्रकों के ऊपर डिजाइन होते हैं और रिक्शों के ऊपर होते हैं उनको क्या कहते हैं? चमक पट्टी। याद करें सारे, चमक पट्टी, चमक पट्टी। हमेशा इनको गीले हल्के गीले कपड़े से वॉश करें, साफ करें। When serving, try to use a butter paper. ठीक है जी, ऐसे डायरेक्ट ना रखे, बटर पेपर के ऊपर रखे। तो चमक पट्टी, चमक पट्टी, चमक पट्टी, अंजुम मैं रट्टा मार रहा हूँ। माथा पट्टी तो याद थी हमें, ये चमक पट्टी का नहीं पता। अच्छा माथा पट्टी क्या है भाई दी? वो जो टीका नहीं होता। अच्छा और उसके साथ यहाँ पूरा एक लड़िया। ओके ओके, इसको इधर से खोल ले, छुरी अगर लग गई तो खराब हो जाएगा। ठीक है मैं इधर से खोलती हूँ, अब बंद करें ना। पता नहीं, मैं कहती हूँ कि ये कुछ क्या करनी पड़ रही है। पैकिंग जबरदस्त की है उन्होंने जबरदस्त, ताकि डैमेज ना हो। चमक पट्टी फ्रजाइल है ना, फ्रजाइल चमक पट्टी जो है वो फ्रजाइल है। हाँ ये इसीलिए होते हैं ना बबल्स। हाँ पैकिंग के लिए होते हैं ना, ये अगर किसी चीज से टकराई वो खोलते खोलते मैंने कर देना पैर से। हाँ नहीं जी, ये है ये है, इसके अंदर आपने एक्सेसरीज डालनी है हलीम की या जो भी आपने यहाँ पे सर्व करना है। ठीक है ओके, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि क्या है। हाय 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 भाई, हाय हाय मुजीब, ले जी इसमें आप सिंदूर रखें, माफ कर दें सिंदूर। माफी चाहते हैं। ये इसमें मुख्तलिफ एक्सेसरीज रखी जा सकती हैं, जैसे इसमें प्याज, इसमें अदरक, ठीक है जी, और इसमें कटी हुई हरी मिर्च। अगर आपने इसमें सर्व करना है हलीम तो ओके, और अगर आपने इसमें हलीम नहीं सर्व करना, भल्ले सर्व करने हैं तो फिर उस हिसाब से नींबू, इमली की चटनी, पापड़ी, कुछ खुद भी आप लोग सोचें, सारा मामा को कहना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। जी वाह। और जनाबे अली ये जो है वो इसके साइड पे होगा। ये दोनों का एक वो है सेट है, सेट। आए मुझे देखना यार गाइस, प्लीज फ्लिप ना करना, फ्लिप ना करना, मैं जल्दी कर रही हूँ, मैं छुरी ना अपने आप को मार लूँ, आगे किसी और चैनल पे ना जाए। रुके रहे, रुके रहे, खबर रहे। मैं कहती हूँ मैं एक मिनट में खोलूंगी। क्या बात, वाह भाई वाह भाई वाह। ये अभी आप लोगों को जो है ना, अगर आपने मिस कर दिया तो समझे कि आप लोगों ने सब कुछ मिस कर दिया। पहिए भी हैं। अच्छा ओके गाइस, गाइस ये देखें हैं भाई, मैं बहुत प्यारा, मैं तो मैं कहाँ से मिल गया, ये मुझे नजर आया था इंस्टाग्राम पे। अच्छा ओके, तो मैंने फिर ऑर्डर कर दिया। ओके मुझे क्या पता था कि आप इतने हैरत ज़दा हो जाएंगे। अभी ये इसमें पेच है, तो ये मैं आप लोगों को गाइस बता देती हूँ कि ये इधर लगेगा, ठीक है, ये भी बाबा लगाएंगे, ये दिखा दें मुझे पीछे से, ठीक है, ये देखिए। हाँ समझ गया। हाय हाय है ना खूबसूरत, कि ये मतलब जैसे रमजान है, ईद है, तो इसके अंदर बटर पेपर रख के इसमें हम अपनी चीजें सर्व करें, और इसके अंदर हम अपनी जो है बटर पेपर रख के और चीजें हम अपने अंदर डालें। या तो अभी ये व्हील्स हैं, लग जाएंगे। इट्स आर्ट, इट्स एन आर्ट, और ये सर्विंग डिश भी है, मतलब इसको सजावट के तौर पे भी रखा जा सकता है और इसके ऊपर सर्व भी किया जा सकता है। तो ये था जो मैंने मंगवाया हुआ था, और अभी इसको पूरा जब असेंबल करेंगे तो मैं आपको किसी दिन दिखा दूंगी, फिर इसमें कोई
वैसे तो ये डेकोरेशन के लिए रखे मुझे। हाँ डेकोरेशन के लिए, इस्तेमाल के लिए भी, डाइनिंग रूम में इस्तेमाल के लिए, किचन में डेकोरेशन के लिए। वैसे आपस की बात है कि हम ड्राई फ्रूट्स के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई चीजों के लिए, चॉकलेट्स एंड इस तरह डिफरेंट यहाँ ड्राई फ्रूट्स। बिल्कुल, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि अभी मैं मंगवा तो बैठी हूँ चमक पट्टी, चमक पट्टी था हाँ, चमक पट्टी की चमेली पट्टी, चमक पट्टी में चमकत पट्टी, चमक पट्टी, चमक पट्टी में रट्टा नहीं मार रहा था, पट्टी नहीं चमक पट्टी, चमक पट्टी, चमक पट्टी, चमक पट्टी। तो इसको उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहें आप चमक पट्टी, आप इसके साथ खेलना चाहिए। ठीक है, रेड़ा करूंगा। गाड़ी चल गई, गाड़ी चल गई, गाड़ी चल गई, लेकिन है वो ट्रकों वाला। हाँ वही ना, उसने तो बताया ना, उसने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया। तो जी ये अभी हम इसको असेंबल करेंगे, फिर उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये बोंगियों भरे ब्लॉग्स मिल सके। मेरे और बाबा की तरफ से ढेरों दुआएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।